नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जान रहे हैं कि हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिली रही हैं। साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में क्विज मिल रही है और क्विज के साथ में टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी कराए जा रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं देख रहे थे, उस केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जो किसान कल्याण संबंधित योजनाएं हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो कृषि विकास योजना है उन योजनाओं को देख लिया है, तो आज हम लोग यहां पर देखेंगे किसान कल्याण योजना है। ठीक है, इसमें योजनाओं की संख्या ज़्यादा है लेकिन हम लोग सभी योजनाओं को नहीं देखेंगे, जो प्रमुख योजना है उन प्रमुख योजनाओं को ठीक है देखेंगे, भी केवल उस लिहाज से जिस लिहाज से आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से फिर मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों में भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से एक बार, हमारे YouTube चैनल का नाम है लर्न विथ फोकस। ठीक है, फ़ायदे क्या हैं? टेलीग्राम चैनल फ्री, क्विज टेस्ट सीरीज फ्री में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है 1 जनवरी 2019 से हुई थी। अब देखिए, सबसे पहले कि 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले जो किसान होंगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से लिखिएगा, 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे एवं सीमांत किसान जिनके नाम 1 अगस्त, अब देखिए होता था कि 3 माह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला हम लोग जो बात करते हैं वह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखिए, ये योजनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन योजनाओं को हम लोग पूरा देखेंगे। तो इस योजना की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना। अब देखिए, इस बार की योजना में क्या प्रावधान होगा, हम लोग का जो अलग वीडियो आएगा वहाँ पर चीज़ें दी जाएंगी। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय बांस मिशन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बांस मिशन की जो शुरुआत है वो आपके इतना ध्यान करिए 2006-07 में हुई थी। कृषि आमदनी योजना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, किसान कॉल सेंटर, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि इससे पूछा जा सकता है कि ये किसान कॉल सेंटर क्या होता है, किसान कॉल सेंटर क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले 21 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के का जो उद्देश्य है वो टेलीफोन कॉल के माध्यम से कृषि संबंधी किसानों को तकनीक समस्याओं का समाधान कराना है। फिर से मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ले लेंगे। अगला बात करते हैं प्रायोगिक बीज फसल योजना। ठीक है, ये भी नहीं है। अब देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता देने के दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र से 100% सहायता के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की एक योजना 24 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई। अब देखिए, यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, ठीक है, इस जो केंद्र सरकार की भागीदारी है वो क्या है, आपके केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वो कितने, सबसे पहले 100%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी तक देखिए शुरुआत में क्या किया गया था कि इसमें जिस ऐसे किसानों को शामिल किया गया था जिनकी जो भूमि थी वो 2 हेक्टेयर के आसपास थी, लेकिन अब ऐसा क्या है, अब इसको ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे बात करें। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ लघु एवं सीमांत परिवार, ठीक है, लेकिन अब जो ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।
अब देखिए हम लोग अगला बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है किसान क्रेडिट कार्ड। अब देखेंगे इस योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को ₹50,000 से ₹3,00,000 तक का कर्ज दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर 6 माह तक 4%, 1 वर्ष बाद 7% होती है। देखिए इसमें सबसे पूछा यह जाता है कि 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड का जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला हम लोग बात करते हैं किसान कृषि उड़ान योजना, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर दीजिए। अगला हम लोग बात करते हैं एग्री उड़ान योजना, ठीक है एग्री उड़ान योजना। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, यह पहल हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए पहले बात देख लेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैदराबाद में है। इस पहल का उद्देश्य है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना तथा कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत ग्रामीण किसानों को कृषि तथा पशुपालन संबंधी ट्रेनिंग आधुनिक समय के अनुकूल दिया जाना है। अब देखिए होता क्या है कि अगला हम लोग अगर बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो इसकी शुरुआत की गई थी वह आपके 24 फरवरी 2019 से की गई थी, और जो इसकी शुरुआत है 13 जनवरी 2016 से की गई है। अब देखिए सबसे पहले अब देखिए होगा क्या कि योजना के अंतर्गत जो आपका प्रीमियम दिया जाता है, ठीक है वो कितना है। योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम भुगतान करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब इस योजना को भी हम लोग देख लेते हैं, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश भर के किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवीकरण ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है ये देखिए इसका जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना शुरू की। अब देखिए इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता को 25,750 मेगावाट करना है, ठीक है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इसका जो मेन फोकस है वो सौर ऊर्जा पर है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम लोग धीरे चलेंगे, वीडियो लंबा हो जाए तो क्या, मैं जल्दी बोल जाता हूँ तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत जल्दी बोल गए, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए भी चलेंगे। तो हम लोग जो बात करते हैं तो हमने बताया कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य है 2022 तक सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता को 25,750 मेगावाट करना। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं। अब देखिए सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं में क्या होगा, सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं में भी यही होगा कि किस प्रकार जो योजनाएं हैं वो आपके जो समाज हैं उस समाज का विकास कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा स्वामित्व योजना, अगर आप स्वामित्व योजना की बात करेंगे तो स्वामित्व योजना से आपको लग भी रहा होगा कि एक ऐसी योजना है कि कहीं ना कहीं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर है, या जो उनकी भूमि है उस भूमि से संबंधित योजना है। तो स्वामित्व योजना की हम लोग बात करें तो स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना। इस योजना की घोषणा 24 अप्रैल 2020 ठीक है को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत जो संपत्ति कार्ड है उस संपत्ति कार्ड को वितरित किया जाएगा। योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को गांवों के भू संपत्ति के 1,00,000 मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। इससे गांवों में लोगों को अपनी संपत्ति का मालकाना हक प्राप्त होगा। अब देखिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना,
ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। भारत नेट योजना, ठीक है, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। गोबर धन योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। अब इसको हम लोग पूरा वन बाई वन करके पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में 20 नवंबर 2016 को की थी। इस योजना का पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था। इस योजना के तहत 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान। देखिए अब सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, 20 नवंबर 2016 को। अब प्रधान इससे जो संबंधित नए आंकड़े हैं, इन नए आंकड़ों को हम लोग आगे के जो वीडियो है, यानी कि जब एक अपडेटेड वीडियो आएगी जहां पर हम लोग बहुत फैक्ट को कवर करेंगे, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना का क्या मेन उद्देश्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यह योजना 25 जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए सरकार 24/7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गाँव में ऊर्जा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी, 25 जुलाई 2015 में, ठीक है। अगला देखते हैं, सबके लिए आवास मिशन 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम इस योजना को प्रारंभ किया। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की अवधि 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इसके लिए व्यापक स्तर पर मिशन 2022 सबके लिए आवास शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और आप जानते भी होंगे इस योजना की शुरुआत कहाँ से की थी, हुई थी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जो है वो लिंगा अनुपात बहुत कम है। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। अब देखिए अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए जैसे हरियाणा में आप बता रहे हैं लिंगा अनुपात कम है, ठीक है, अगर लिंगा अनुपात कम है तो कहीं ना कहीं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के जो स्तर है उस स्तर को बढ़ाना होगा। तभी क्या होंगी कि शिक्षा जब अच्छा होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, क्योंकि अभी भी लोगों की कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता है कि वो ये सोचते हैं कि बेटी होंगी तो हमको बेटी की शादी करना पड़ेगा, लड़का होगा तो बड़ा हो जाएगा, हमारा सहारा रहेगा। लेकिन ऐसी किसी प्रकार की कोई चीज़ें सत्य नहीं है, कोई चीज़ें यथार्थ नहीं है, क्योंकि 50% की भागीदारी है। 50% की भागीदारी की बात करें तो यानी जितना हमें हमारे लिए हमारे समाज के लड़का ज़रूरी उतनी ही लड़की ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, ये जो दुनिया है पूरी तरीके से चल रही है। तो इसी प्रकार से आप लोग से मेरा भी और हमारे चैनल की तरफ से भी एक निवेदन है कि आप लोग भी किसी प्रकार से इन दोनों में विभेद ना करें, ठीक है, जितनी ज़रूरी लड़का उतनी ज़रूरी लड़की। अगला हम लोग बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए ये योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को, अब देखेंगे तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ योजना और जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये दोनों योजना की शुरुआत की थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाता है, ठीक है, आप देखेंगे।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सबसे पहले 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने समाज के ग्रामीण और कम आय वर्ग के विकास के लिए यह योजना शुरू की। यह योजना बैंक खाता धारक जो 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले लोगों के लिए हैं। इसके तहत रोज ₹330 का वार्षिक प्रीमियम दे है। अगले लोग हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह योजना भी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, ठीक है। अब देखिए अब कितनी योजना, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर हम लोग जाएंगे तो देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी 22 जनवरी को, सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 22 जनवरी को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये भी 9 मई को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 9 मई को इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका उद्देश्य वित्तीय समायोजन है, वित्तीय समायोजन है। अब देखिए वित्तीय समायोजन क्या होता है, वित्तीय समायोजन ये होता है कि जो वित्त है यानी कि जो धन है, सबसे पहले धन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, ठीक। अब देखिए कहने का मतलब है कि उनको वित्तीय रूप से सशक्त करना है। अब वित्तीय रूप से सशक्त कब होंगे, जब उनके पास क्या होंगे, आपके बैंक खाता होंगे। इसीलिए जो इस योजना का मेन उद्देश्य था कि कहते हैं हमारा खाता भाग्य विधाता, यानी आपने देखा हुआ एक रिकॉर्ड भी कायम किया गया था जिसके तहत आपके सबसे ज़्यादा बैंक के खाते खोले गए थे। तो हम लोग बात करें अटल पेंशन योजना। तब देखिए अटल पेंशन योजना की हम लोग बात करें तो अटल पेंशन योजना, इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। यह योजना 18 से 40 वर्ष, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये आयु वर्ग है इस आयु वर्ग को याद करना है। सबसे पहले 9 मई 2015, अगला हम लोग बात करते हैं 18 से 40 वर्ष तक की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए है। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1000 तथा अधिकतम ₹500 तक की पेंशन राशि प्रत्येक महीने देने का प्रावधान है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग बचत और जमा खाते, भेजी हुई रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा जान लेंगे विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग हमारी जो पॉलिटी की क्लास हो रही थी, इस पॉलिटी की क्लास में पूछ रहे थे सर विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है। देखिए विधेयक क्या होता है, विधि प्रस्ताव, देखिए विधि प्रस्ताव क्या होता है, विधि प्रस्ताव पहले आपके संसद के एक सदन में रखा जाता है, फिर दूसरे में रखा जाता है, और फाइनली जो राष्ट्रपति होता है अगर इसके हस्ताक्षर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये जो है आपका मनरेगा, ये क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अगर लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इसकी शुरुआत है वो आपके 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम।
तो आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। अब क्या है, 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया। ठीक है, आप जान रहे हो काम के बदले रोजगार योजना चलती थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना उसका विलय इसमें कर दिया गया। आगे बात करते हैं, इस विलय का नाम 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले आप 2-3 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसकी शुरुआत की हम लोग बात करते हैं तो 2006 में हुई थी, ठीक है, जिले से की गई। अब देखिए इसका 2009 में आपका नाम बद कर गया, यानी मनरेगा, ठीक है। 5 सदस्य, अब देखिए इसमें क्या है, 100 दिन का प्रावधान होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अगला देखते हैं, अब देखिए, हाँ ये भी पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन पूछा है, सामग्री संघटक के मामले में केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात 75:25 है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, देखिए ये भी योजना इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं मैं चीज़ों को कितने शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात बाकी हमारे चैनल फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अब देखिए इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत अगस्त 2004 में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के योजना के निर्देशन में देश में 1180 से भी अधिक आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और शैक्षिक रूप से पिछड़े गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्रारंभिक स्तर पर आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। अगला हम लोग देखते हैं स्वाधारा कार्यक्रम, इसकी इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतनी। अगला हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये पांचवें पेज की पीडीएफ है, इसके बाद में एक पेज की पीडीएफ आपको और मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो दिसंबर 2020 से 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 10वीं योजना नीति के अंतर्गत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक की जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों का ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण सड़कों में वृद्धि करने और उसका आधुनिकीकरण करना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक नई मत के रूप में शामिल है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारों का अंशदान 60:40 का रेशियो है। अगला हम लोग बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। अब देखें अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं तो अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसको इतना ध्यान कर लीजिए कि जो ये योजना है, इस योजना की जो शुरुआत है, तो इस योजना की जो शुरुआत है हम लोग देख लेते हैं, 1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ किया गया, 1 अप्रैल 2000 से इस योजना को शुरुआत किया गया था। फिर उसके बाद में अगला हम लोग देखते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए जो इस योजना की जो शुरुआत है वर्ष 2001 में की गई थी, इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक अंतर को दूर करके सभी को प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराना है। अगला हम लोग बात करते हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना।
अब देखिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि SWGY इसका जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म पिछली बार आपसे पूछ लिया गया था पेपर में, तो इसलिए जो ये योजना है ये क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण निर्धनों को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। इससे पहले यह चल रही 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया था, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगला जो हम लोग बात करते हैं तो यह योजना केंद्र एवं राज्य के बीच 75x25 के लागत की भागीदारी से लागू की गई है। अगला हम लोग देखते हैं इंदिरा आवास योजना, यही लास्ट है, इसके बाद में ये वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी, वीडियो लंबा हो गया इसके लिए क्षमा। इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। इस योजना में मकान का आवंटन महिला सदस्य अथवा पति पत्नी संयुक्त के नाम पर किया जाता है, ठीक है। कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति योजना यह योजना वर्ष 1888-89 में शुरू की गई थी। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आपको मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर 1952 को। तो चलिए आज की ये थी हमारी कुछ सामाजिक योजनाएं थी। अब अगला जो योजना होगा वो आयुष्मान सहकार योजना होगा। आयुष्मान सहकार योजना, इसको हम लोग अगले जो वीडियोस है उस वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। एक बार फिर लास्ट में, आपको लेखपाल बनने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। जय हिंद।